प्यारे भाई बहनों एवं प्रिय मित्रों, आप सबको जय यीशु। मैं रोनी संत लुईस चर्च जैन से एंजल वॉइस के माध्यम से क्रिसमस पर्व की तैयारी हेतु उसके उपलक्ष पर एकता के संबंध में एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। स्त्रोत ग्रंथ अध्याय 133 वाक्यांश 1 में कहा गया है, भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, एकता का अर्थ है एक साथ रहना। अरस्तु के कथन के अनुसार मनुष्य एक मननशील एवं सामाजिक प्राणी है, अतः वह समाज से दूर रहकर अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। जैसे कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 18 में हम देखते हैं, प्रभु ने कहा है, अकेला रहना मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं है। अर्थात एकता के अभाव में न तो व्यक्ति की उन्नति और न ही समाज की प्रगति है, अतः मनुष्यों के लिए अकेला जीवन व्यतीत करना नामुमकिन है। पवित्र वचन कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 13 वाक्यांश 11 हमें सिखाते हैं, आप लोग एक मत रहे, शांति बनाए रहे और हृदय तथा मन की शांति आपके साथ होगा। एकता के अभाव में न तो व्यक्ति की उन्नति और न ही समाज की प्रगति है। अर्थात एकजुट रहना मजबूत रिश्तों और मजबूत समाज के निर्माण की पूंजी है। अतः हमें अच्छे जीवन जीने के लिए हमारे बीच एकता का वातावरण बनाए रखना होगा। जिस तरह हमारे हाथों की 5 उंगलियां मिलजुल कर रहते हैं, उसी तरह पवित्र वचन कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्यांश 10 हमें प्रेरित करते हैं, आप लोग एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन की शांति आपके साथ होगा। प्रिय मित्रों, ईश्वर ही हमारे लिए प्रेम और एकता का एकमात्र स्रोत है, अतः प्रेम और एकता ईश्वर से उत्पन्न होता है। जैसे कि संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 16 में हम देखते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करते हैं उनका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हाँ प्रिय मित्रों, हम सभी आत्मकाल में प्रवेश कर चुके हैं। हमें अपने हृदय और आत्मा को पवित्र रखने के लिए छोटे छोटे त्याग तपस्या करते हुए मुक्तिदाता का स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि आने वाला क्रिसमस हम सभी के लिए आनंदमय हो सके। एंड आई विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस।